जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वारिस मीर अंडरपास पे, और इसको कैंपस का पुल भी कहा जाता है। 6 बजे के करीब यहाँ पर ऑयल टैंकर फंसने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो थी वो शदीद मुतासिर हुई, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की लंबी कतारें जो हैं वो जिना अस्पताल अंडरपास तक जा पहुँची थी। और जब वाकये की इत्तला जो थी वो रेस्क्यू डॉल्फिन स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस को दी गई, तो डॉल्फिन स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और ट्रैफिक का रूट जो था वो तब्दील कर दिया गया था। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और रेस्क्यू अहलकारों की जानिब से जो था वो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी। और मेरा कैमरामैन सलमान अगर आपको दिखा सके तो ये वो कंटेनर है, ऑयल कंटेनर है जो कि अंडरपास के अंदर फंस चुका था, और इसको इसकी तारों की हवा निकाल कर जो था इसको अंडरपास से बाहर लाया गया था। रेस्क्यू हकाम ने, ट्रैफिक पुलिस ने मुतहरिक अंदाज में जो था वो इस कंटेनर को बाहर निकाला। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी हफाजती यहाँ पर बोर्ड लगाए गए थे वो सिरे से मौजूद ही नहीं थे, और अगर मौजूद भी हैं तो वो भी तबाह हाली का शिकार हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि इन बोर्ड्स को यहाँ पर अवेजा किया जाए। इस जो अंडरपास है उसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 10 फुट 6 इंच है, जबकि इस कंटेनर की जो ऊंचाई है वो इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। जी